थोड़ा सा और आग लेंगे ना अभी तो ये बिल्कुल टच होने में जाती है। इतना सा टेम्परेचर दिखाऊंगा ना मैं तो 22 ही दिखा रहा भाई यहाँ पे। इसलिए अगर तुम देखो ना तो मतलब थोड़ा सा गैप बचता है इस चीज़ के अंदर, इसके गहना गंदी वो जो होती है ना सबसे नेगेटिव। अब मैंने इसको ऐसे ओली भी करूँगा ना यहाँ पे, साफ भी करूँगा इसको यहाँ से, तो देखो नहीं हटेगी क्योंकि यहाँ पे ना मिट्टी चिपकी हुई है। गाइज गुड मॉर्निंग, कम बैक टू चैनल, स्वागत है आपका फिर से एक प्यारी सी वीडियो में। आज की जो वीडियो शुरू हो रही है वो भाई तुमको देखने से पता लग रही होगी, या तो सुबह स्टार्ट हो रही है रात को, तो पीछे तुम देख सकते हो भाई आज की जो वीडियो स्टार्ट हो रही है बिल्कुल सुबह सुबह स्टार्ट हो रही है। अगर मैं तुमको टाइम दिखाऊँ ना भाई तुम विश्वास नहीं करोगे। अभी देखो यहाँ पे हो रहे हैं, देखो यहाँ पे हो रहे हैं 6:11 हो रहे हैं और अभी है ना बिल्कुल ठंड हो रखी है भाई यहाँ पे। अभी तक मतलब है ना सुबह भी नहीं हुई है, मतलब कि ना आज हम राइड पे जाने भाई जल्दी जल्दी सुबह सुबह जाने वाले हैं। मतलब कि मोस्टली है ना ये हो पा रहा था कि मैं ना जल्दी उठ ही नहीं पा रहा था भाई, उठा ना मेरी तबियत खराब थी तो मैं दवाई लेके ना सोते रहा था, इस वजह से ना मैं जल्दी जल्दी उठ नहीं पा रहा था। यहाँ पे कर दिया हमने RS को यहाँ पे खड़ी भाई, यहाँ पे तुम देख सकते हो बस एक अकेली ऐसी बाइक है जो यहाँ पे ऐसे खड़ी है। बाकी हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ से निकलेंगे भाई। तो ये रहा हमारा फर्स्ट सेल भाई। सुबह सुबह कभी कभी है ना ये दिक्कत करती है, तो सेकंड सेल स्टार्ट के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, इसको तोड़ देना ना गोल स्टार्ट करेंगे हम। बाकी तो मौसम वगैरह देख लो भाई, सुबह सुबह ऐसी मौसम होती है हमको भी है ना बहुत कम देखने को मिलता है भाई ये मौसम। बाकी देखो कितना वहाँ पे ना सनशाइन होने वाला है, वहाँ पे कितना मस्त लग रहा है ये। तो है ना अपन चलते हैं बाहर, आज राइड करेंगे सुबह सुबह जल्दी, जितना भी है ना व्यू वगैरह हो पाए ना अपन कैप्चर करेंगे भाई। मेरे को लगता नहीं ज़्यादा व्यू आ पाएगा बट फिर भी है ना ये ट्राई करेंगे कितना व्यू आता है। तो चलते हैं जल्दी से बाइक कुछ निकालते हैं निकल। बाकी भाई तुम यहाँ पे देख लो RS को, और मैंने इसकी शाइनिंग के सामने ना खड़ा होकर दिखा रहा हूँ, और मैंने सुबह सुबह तुम टेम्परेचर दिखाता हूँ भाई। अभी है ना क्या टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो तुम देख लो अभी 21 डिग्री सेल्सियस हो रहा है यहाँ पे तुम। बाकी गाय हम निकल चुके हैं हमारे फ्लैट से, और तुम देख सकते हो ना बिल्कुल अभी अंधेरा हो रखा है ऑलमोस्ट, और मेरे को पता नहीं तुमको क्या व्यू आ रहा होगा। बाकी भाई ठंड है ना भाई बहुत अच्छी खासी हो रही है, और मेरे को है ना ब्लैक वाइजर लगा के चलना पड़ रहा है। अगली बार जब दौसा जाऊँगा ना तो ये करूँगा है ना, कम से कम है ना एटलीस्ट वाइजर लेके आऊँगा। और पता है दिन चार दिन से ना इस बाइक को मैं बिल्कुल नहीं चला पा रहा, क्योंकि ना हालात ख़राब हो रखी है। जब भी थोड़ा सा लगता है ना कि अब ठीक है तो भाई मैं ब्लॉग बनाने के लिए निकल जाता हूँ, मतलब कि जितना लगता है ना कि अब थोड़ी तबीयत सही है तो मैं निकल जाता हूँ। अभी जैसे मैंने जल्दी उठ गया था, आज दवाई वगैरह ली थी तो मैं जल्दी सो गया था, 8 बजे सो गया था, तो मेरे ना आँख जल्दी खुल गई। तो मैंने सोचा ना ब्लॉग बनाने के लिए चल लेते हैं, क्योंकि मैं अभी उठ गया ना तो थोड़ी देर बाद में ना वापस दवाई लेके कुछ खा के ना फिर सो जाता, तो इस वजह से ना मैं अभी है ना करा के काम मेरा फ्री होके जो मैंने ब्लॉग बना लिया, अब इसको मैं 3-4 बजे डाल दूंगा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ना जब तक ये तबीयत ठीक नहीं होती तो है ना जब तक है ना मैं ऐसे ब्लॉग डालूंगा, बट अगर तबीयत ठीक हो जाती है ना उसके बाद में रेगुलर ब्लॉग्स वगैरह डालना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि है ना वो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है भाई, है ना चैनल धीरे धीरे ना नीचे जाता जा रहा है भाई। रेगुलर ब्लॉग है ना डालना शुरू करूंगा, उसके बिना ना कुछ भी नहीं है भाई। मतलब कि जो रेगुलर वीडियोज़ पहले डालता था ना वो रेगुलर वीडियोज़ है ना वापस डालना स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है भाई। तुमको सच बताऊँ ना तो अभी मतलब कि ऐसे काम चल रहा है, बट जो एक वो लीक बनी हुई थी ना कि रेगुलर वीडियोज़ वगैरह की, तो वो सब चीज़ें ना वापस स्टार्ट करूँगा। तब तक हम यहाँ पे खा लेते हैं भाई पोहे, और फिर उसके बाद में आपसे मिलते हैं। जब तक तुम टाइम लैप्स के मज़े लो, देखते हैं टाइम लैप्स के अंदर कितना शूट होता है, बट ये ट्राई करूँगा जितना शूट हो पाया तुम मज़े लो जब तक उसके। हमने खा लिया है पोहे सुबह सुबह भाई, तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है भाई। बाकी तुम देख लो यहाँ भी जब मैं स्टार्टिंग में निकला था जब अंधेरा बहुत ज़्यादा था, बट अब भी है ना थोड़ी रोशनी वगैरह हो चुकी है, और ऑलमोस्ट कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट्स वगैरह जाने लग गए हैं भाई। और अभी हो चुके हैं ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं भाई अप्रॉक्सीमेटली, और ठंड वगैरह देखो अभी भी वही है। अभी तुमको दिखाऊंगा यहाँ पे तो 6:50 हो चुके हैं, और अभी तुमको टेम्परेचर दिखाऊंगा ना मैं तो 22 ही दिखा रहा भाई यहाँ पे, जयपुर 21 फॉग दिखा रहा है। तो ऐसे मतलब कि अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई, बढ़ जाएगी मतलब जितनी अभी बढ़ चुकी है और भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी भाई। राइडर्स वगैरह होते हैं ना उनको दिक्कत इसी टाइम पर आती है भाई, क्योंकि ना ठंड बहुत ज़्यादा होती है। बाकी वहाँ पर देख लो सन, अगर तुमको दिख रहा हो तो देखो वो रहा सन वहाँ पर निकल चुका है बहुत, मतलब कि यहाँ जल्दी उठना पड़ता है भाई ये सब चीज़ें देखने के लिए, वरना ना थोड़ी देर बाद में वगैरह इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि है ना मतलब कि राइड करने में भी दिक्कत होती है। और है ना अपनी बाइक को है ना मतलब कि बहुत टाइम से खड़ी रख रखी थी मैंने, तो इस पर ना कलर वगैरह लग गया, कि जहाँ पे पार्किंग में बाइक खड़ी रहती ना वहाँ पे ना कलर वगैरह हो रहा था, तो है ना इस पर ना मोस्टली ना बहुत सारी जगह पे कलर हो गया था, इसको वॉश भी करवानी पड़ेगी। अभी तुमको मैं ना रुक के इसकी हालत दिखाऊंगा भाई, बहुत गंदी हालत हो चुकी है इसकी, मतलब बिल्कुल केयर नहीं कर रखी भाई मैंने, मतलब कि केयर क्या मैं खुद की केयर नहीं हो पा रही, अभी हालत ऐसी हो रखी है मेरी।
अभी भी तुमको आवाज़ से पता लग रहा होगा मेरी, बट है ना ये है कि अभी कुछ टाइम है ना इसको बिल्कुल नई जैसी कर दूंगा जैसे मैं दोस्त से लेके आया था, मतलब मैं वैसे ही रखता हूँ इसको ऑलमोस्ट हमेशा, बट अभी कुछ टाइम के लिए ऐसी हो गई है। बट इसको अपन ना जैसे अपन रखते हैं ना वैसे इसको रख देंगे, मतलब पैटर वगैरह फिल करवाएंगे, वॉश वगैरह कराएंगे, मतलब पहले तो इसको ना पेंट वगैरह हटाने के लिए यहाँ पे इसका, तो इसको पहले ना नॉर्मल वॉश में नहीं हटेगा भाई ये, इसको डीजल वॉश वगैरह कराना पड़ेगा। देखते हैं अगर डीजल वॉश अवेलेबल हुआ तो वो करवाएंगे, बाकी तो फिर नॉर्मल वॉश पेट्रोल से हटवाएंगे इसको, फिर नॉर्मल वॉश करवाएंगे। अपन पहुँच चुके हैं घर पे और तुम देख लो भाई वहाँ पे सन भी निकल चुका है, मस्त मौसम हो रहा है। अब तुमको मैं बोल रहा था ना पेंट वगैरह की, तो देख लो यहाँ पे ना ये कुछ जगह पे पेंट लगा हुआ है भाई, ये लगा हुआ ये ना ऐसे नाखून से हट रहा है, बट अगर मैं ऐसे हटाऊँ ना इसको तो ऐसे नहीं हट रहा, मतलब यहाँ पे लगा हुआ है ये पेंट और ऑलमोस्ट हर जगह लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। और है ना ऐसे भाई गंदी नहीं है, जैसे पॉलिश वगैरह करवाते हैं ना अपन, तो ये देखो पॉलिश की है ना गंदी वो जो होती है ना सबसे नेगेटिव। अब मैंने इसको ऐसे उंगली भी करूँगा ना यहाँ पे, साफ भी करूँगा इसको यहाँ से, तो देखो नहीं हटेगी क्योंकि यहाँ पे ना मिट्टी चिपकी हुई है, यहाँ पे ये वाला सीन है देखो, यहाँ पे मिट्टी चिपकी हुई है, इस जगह पे मिट्टी चिपकी हुई है, उंगली भी मारेंगे ना तो भी मिट्टी नहीं हटेगी ये, तो ये सबसे गंदी चीज़ होती है। अब देख लो मेरी उंगली पे इतनी मिट्टी लग गई, बाकी है ना अब जब वॉश करवाऊंगा ना इसको मेरे भी भाई, ये देखो तुमको मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें ना तुम वो सब मत करवाओ भाई, पॉलिश वगैरह मत कराओ, जो ओरिजिनल शाइनिंग है ना वो सभी रखो। और यहाँ पर मेरा गोप्रो का स्टिकर था भाई, यहाँ से ये भी उखाड़ दिया भाई, बट कोई बात नहीं अब इन चीज़ों का तो क्या कितना ही करूँ यार मैं। बाकी भाई इस बाइक को खड़ते हैं अंदर, खड़ी इतनी जगह के अंदर है ना खड़ी करना सबसे बड़ी बात होती है, एक तो मैंने गलत जगह चढ़ा दी। अब तुम देख लो इस बाइक का लोग जो है ना मतलब कि है ना क्लियरेंस कितना कम होता है, अभी मैंने इसको देखो ना यहाँ पे तो ये अड्डे में होगी भाई, मतलब कि इसका जो है ना अपना जो क्लियरेंस होता है, अब तुम देख लो यहाँ पे ना अब बिल्कुल अड्डे में हो जाती है, देखो इस जगह पे बिल्कुल डीपली अगर तुम देखो ना तो मतलब थोड़ा सा गैप बचता है इस चीज़ के अंदर, तुमको अगर दिख भी रहा होगा तो है ना इस चीज़ के अंदर इतना सा गैप बचता है, अगर इसके अंदर थोड़ा सा और आग लेंगे ना भी तो ये बिल्कुल टच होने में हो जाती है, इतना सा क्लियरेंस बचता है इसका। तो ये सब आर स्टूडेंट के देखो नेगेटिव पॉइंट्स है, इसका लो क्लियरेंस होता है ना बाइकों का, अगर दो तीन होते हैं ना तो है ना ये अड़ जाती है, मतलब दिन में ना एक या दो बार तो ये बाइक कहीं ना कहीं अड़ती है भाई, ये सब है ना उसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं भाई इस बाइकों के, तो ये सब तुमको झेलने पड़ेंगे, मतलब अगर थोड़ा सा और ऊपर हो ना तो ये बाइक है ना अड़ जाए भाई, तो अड़ जाए तो तुमको पता ही क्या ना कितना फिर दुख होता है जिसके पास ये सब बाइक्स होती है। तो यहाँ पे करते हैं अपने बाइक को पार्क, मैं होप करता तुमको वीडियो वगैरह अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल पर नहीं तो क्या करना है चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसी प्यारी वीडियो, तब तक ले बाय बाय, स्वस्थ मस्त खाते पीते रहो।